नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका learndairy.com के 3ds Max ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विंडोज़। तो हम विंडोज़ का यूज़ कैसे करते हैं 3ds Max के अंदर, तो चलिए दोस्तों करते हैं इसके बारे में डिस्कस। तो विंडोज़ का ऑप्शन जो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, आपने यहाँ से विंडोज़ के ऑप्शन पे जाना है। तो आपको यहाँ पे 3, 4, 6 टाइप की विंडोज़ यहाँ पे दी गई हैं। तो इनका यूज़ कैसे करना है, जैसे कि पहली विंडो है ऑनिंग। तो ऑनिंग विंडो का भी सेम प्रोसीजर है, जैसे कि विड्थ डेप्थ हाइट या विड्थ हाइट डेप्थ। तो आप किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं फर्स्ट लेता हूँ, यहाँ से मैं इसकी विड्थ देता हूँ, देन इसकी हाइट यहाँ से मेजर कर देते हैं। मेजर करने के बाद जैसे कि आप देखोगे कि आपकी विंडो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। उसी तरह से केसमेंट विंडो को भी हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे इसको मैं पहले विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ, देन डेप्थ जितनी रखना चाहते हो उतनी दे सकते हो, और फिर इसकी हाइट को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है फिक्स्ड। फिक्स्ड के लिए वही सेम प्रोसीजर रहेगा, विड्थ जितनी देना चाहते हो, यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, विड्थ दे दीजिए, फिर जितनी थिकनेस देना चाहते हो, डेप्थ देना चाहते हो उतनी डेप्थ दे दीजिए, क्लिक कीजिए, देन इसकी हाइट दे दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है पाइवटेड। पाइवटेड में भी वही करना है आपने, पहले आपने इसकी विड्थ दे देनी है जितनी देना चाहते हो, देन इसकी डेप्थ दे देनी है और फिर हाइट दे देनी है। फिर से रिपीट करता हूँ, विड्थ, डेप्थ और फिर हाइट। उसी तरह से नेक्स्ट आती है हमारी प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में भी ऐसे ही करना है आपने, विड्थ, डेप्थ और हाइट। तो मेरा जरा माउस जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मेरी बीच में ये कमांड जो है वो छूट जा रही है। तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर दीजिए, देन स्लाइडिंग आ जाती है हमारी नेक्स्ट। स्लाइडिंग को मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, जितनी थिकनेस देना चाहते हो थिकनेस दे दीजिए, देन हाइट। अब सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे ऑनिंग विंडो की। तो यहाँ से मॉडिफाई पैनल पे जाना है, सेम वही पैनल्स आपके जैसे डोर्स के लिए सेटिंग्स थी वैसे ही आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से हाइट, विड्थ और डेप्थ इसकी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जितनी डेप्थ देना चाहते हो उतनी डेप्थ दे दीजिए। देन यहाँ पे फ्रेम हॉरिजॉन्टल विड्थ आ रही है, तो विड्थ जितनी देना चाहते हो फ्रेम की उतनी दे दीजिए, वर्टिकल विड्थ देना चाहते हो वर्टिकल विड्थ जितनी देना चाहते हो उतनी दे सकते हो, थिकनेस जितनी देना चाहते हो उसकी उतनी ही थिकनेस आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो। देन यहाँ पे ग्लेंजिंग का ऑप्शन आता है, तो ग्लेंजिंग की जितनी आपने विड्थ या थिकनेस जितनी देना चाहते हो उतनी दे सकते हो आप, वो भी आपके ऊपर मैटर करता है कि आप कितनी इसको विड्थ देना चाहते हो। देन रेल्स एंड पैनल्स का यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप कितने पैनल्स यहाँ पे देना चाहते हो, तो उतने पैनल्स आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 पैनल देना चाहता हूँ तो 2 पैनल दे सकते हो, या 3 पैनल देना चाहते हो 3 पैनल दे सकते हो, और यहाँ पे उसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओपन विंडो का ऑप्शन आता है, तो आप ओपन विंडो करना चाहते हो तो इसकी विंडो को ओपन करना चाहते हो, ऐसे करके आप किसी भी तरीके के साथ इसकी विंडो को ओपन कर सकते हो। तो ये इस टाइप की विंडोज़ आपको वहाँ पे यूज़ होंगी, जैसे कि आप कहीं पे वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हम क्रिएट करते हैं, वहाँ पे आप इस टाइप की विंडोज़ को क्रिएट कर सकते हो। तो इस टाइप से आपकी जो हाइट है वो यहाँ पे बन जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पे, ये आती है हमारी केसमेंट विंडो। तो केसमेंट विंडो में भी सेम प्रोसीजर वही रहेगा, हाइट, डेप्थ, हॉरिजॉन्टल विड्थ, वर्टिकल विड्थ, हर एक चीज़ सेम रहेगी, ग्लेंजिंग भी वैसे रहेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन आएगा पैनल्स का कि 1 पैनल रखना है या 2 पैनल रखने हैं। 2 पैनल रखने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप जैसे भी डोर देना चाहते हो, अगर फ्लिप करना चाहते हो उसको तो फ्लिप भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस विंडो का यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आती है फिक्स्ड विंडो। फिक्स्ड विंडो में भी सेम प्रोसीजर ऊपर यही रहेगा। रेल्स की आप यहाँ पे पैनल्स को चेंज कर सकते हो, पैनल्स डालना चाहते हो बीच में, जितने पैनल्स आप डालना चाहते हो उतने पैनल्स यहाँ पे डाल सकते हो। देन चैम्फर्ड प्रोफाइल का भी आपको ऑप्शन आ जाता है कि आप चैम्फर्ड प्रोफाइल देना चाहते हो उसके अंदर, तो वो भी दे सकते हो। इस तरह से आप इनकी भी फ्रेम्स की थिकनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, विड्थ भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, देन डेप्थ को भी डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है यहाँ पे
पाइवटेड विंडो, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा। फ्रेम को आप कम ज़्यादा करना चाहते हो कर सकते हो, देन रेल्स को भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपकी इसमें ओपनिंग नहीं होती है, जो कि हमारी चेसमेंट होती है इसमें ओपनिंग नहीं आती है, लेकिन पाइवटेड में हमें वर्टिकल रोटेशन देना चाहते हो वर्टिकल रोटेशन दे सकते हो पाइवट्स को, जैसे भी आप देना चाहते हो। जैसे ही मैंने इसको बना दिया है, रोटेशन देने के बाद विंडो ओपनिंग करूँगा तो ये बीच से ओपन होना शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो वर्टिकल रोटेशन देना चाहते हो तो वर्टिकल रोटेशन में ये कुछ इस तरह से आपकी ओपन होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें ये दो ऑप्शंस आपको पाइवट के दिए गए हैं, तो ये इसमें चेंज आ जाएगी। देन इसके बाद आपकी नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पे प्रोजेक्टेड विंडो। प्रोजेक्टेड विंडो में भी ऊपर के ऑप्शन सेम रहेंगे। नेक्स्ट नीचे जो आपके रेल्स की विड्थ है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो आप। मिडल हाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि मिडल हाइट कम ज़्यादा करनी है तो मिडल हाइट आपकी कम हो जाएगी। देन बॉटम हाइट को कम ज़्यादा करना है तो वो भी कम ज़्यादा हो जाएगी। देन ओपनिंग अगर आप करोगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपनिंग आपकी शो हो जाएगी। तो इस तरह की अगर विंडोज़ आप क्रिएट करना चाहते हो तो इस तरह की विंडोज़ को भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसकी अगर मैं डेप्थ को कम कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी इसको दे सकते हो। देन यहाँ पे एक और विंडो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि स्लाइडिंग विंडो है। तो स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है कि स्लाइड की तरह वर्क करती है। जैसे यहाँ पे दो पैनल्स मैंने दिए हुए हैं, आप कितने भी पैनल्स यहाँ पे देना चाहते हो पैनल्स को यहाँ पे एड अप कर सकते हो। देन पैनल्स वर्टिकल देना चाहते हो पैनल्स वर्टिकल आ जाएंगे। चैम्फर प्रोफाइल देना चाहते हो चैम्फर प्रोफाइल भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अब जैसे इसकी ओपनिंग हम करेंगे हंग के साथ, तो ये कुछ इस तरह से आएगी। एंड अगर हम हंग नहीं देते हैं तो इसकी ओपनिंग अगर हम करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसकी ओपनिंग को दे देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज़ को यूज़ कर सकते हो अपने काम के अकॉर्डिंग। जैसे भी आप इसकी काम को अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो वैसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी तरीके हैं यहाँ पे, और डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्स विंडोज़ आपको अवेलेबल हैं। आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली इनको ही आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों ये थी हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज़ इन 3ds Max। तो आई होप आपको ये समझ आई होंगी और कैसे कैसे ये विंडोज़ वर्क करती हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो थैंक यू सो मच आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। लास्ट में फिर से मैं आपको थैंक यू ही बोलूँगा एंड हैव ए नाइस डे।